हेलो गाइस, अभी मैं AOC के मॉनिटर्स को आज रिव्यू करने लगा हूँ। रिव्यू के आपको डिटेल्स बताएंगे कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है मॉनिटर्स की। अगर गेमिंग मॉनिटर आपने लेना है और इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो पूरी देखना। आपको बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ बताने लगा हूँ विद वारंटी। ब्रांड न्यू मॉनिटर्स वो परचेज भी कर सकोगे। आपको नंबर वगैरह मैं दे दूंगा, आपको मेरे से भी मिल जाएंगे, कोई इजी सीन है। तो ये देख लो, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉनिटर भी रखे हैं मैं, इसके अलावा भी हैं। ये IPS भी हैं, कर्व्ड भी हैं, अल्ट्रा वाइड भी हैं, और ये सारा AOC के ब्रांड के मॉनिटर्स हैं। नीचे ROG ब्रांड का टेबल पड़ा हुआ है गेमिंग, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ज़रूर। तो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते और अभी आपको वन बाय वन सारे मॉनिटर्स खोल के भी दिखाएंगे और इनके बारे में डिटेल्स भी बताएंगे। तो लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आप आज जो वीडियो देख रहे हैं फुल गेमिंग मॉनिटर्स की रेंज को मैं कवर करने वाला हूं और एक ही ब्रांड को कवर करेंगे, AOC को। अगर AOC के आप रिव्यूज़ चेक करें इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी अच्छे इनके मॉनिटर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और मोस्टली ई-स्पोर्ट्स में भी AOC काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मुझे भी मैंने रिसेंटली मुझे कंपनी का एक मॉनिटर आया था फॉर द रिव्यू, तो उसके बाद मैंने सेलिंग स्टार्ट की तो काफ़ी अच्छा सेल हुआ, बट मैंने रिव्यू अभी तक किया नहीं था। तो अब मैंने सोचा मैं इधर कराची में आया हूँ तो मैं डायरेक्ट उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं के पास आ गया हूँ, उन्हीं के ऑफिस में। तो यहाँ पे वो सारे मॉडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कोई भी मॉडल लेना है तो आपको मिल जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर, डिटेल्स, वेबसाइट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर बाय करना है, लेकिन वीडियो में आपको सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिलेंगी चीज़ के बारे में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो मॉनिटर है ये 24G2 जो कि बेसिकली 144 हर्ट्ज़ IPS मॉनिटर है, जो वन ऑफ़ द बेस्ट सेलिंग मॉनिटर है AOC का। और मैंने खुद ये 5 से 6 मॉनिटर विद इन 1 वीक बेच दिए थे और इनके बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स आया। और इसी तरह काफ़ी सारे मॉनिटर हैं तो वन बाई वन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसको ओपन करके अंदर से भी आपको दिखा देंगे, मेन फीचर बता दूंगा मैं आपको कि क्या क्या होता है इनके अंदर। तो लेट्स गो। अच्छा, तो ये जो मॉनिटर है 24 इंच का है, IPS है, 144 हर्ट्ज़। और सबसे मेन बात जो इसके अंदर मोस्टली लोगों को नहीं पता, ये अडाप्टिव सिंक है, मतलब जी सिंक और फ्री सिंक दोनों हो जाएगा। और मैं आई थिंक ये फ्री सिंक प्रीमियम भी है, अगर हुआ तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा कि फ्री सिंक प्रीमियम है या नहीं है। तो कोई भी GPU है तो ये इसके जो हर्ट्ज़ हैं वो सिंक हो जाएंगे, इसके जो फ्रेम्स हैं वो सिंक हो जाएंगे गेम के साथ। प्लस मेन चीज़ ये वर्टिकल भी हो जाता है, असल में इसको वर्टिकल कीजिएगा ज़रा। तो ये अगर आपने वर्टिकल करना है तो ये वर्टिकल भी हो जाएगा, इसकी स्क्रीन भी फ्लिप हो जाएगी, वो तो आपको पता है विंडोज़ में ऑप्शन होता है। तो इसको वर्टिकल कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक है तो वो ज़रा चेक करा दें, अप डाउन जो सारा इसके अंदर ऑप्शन है। तो ये अप डाउन हो जाता है, इसके बाद ये टिल्ट हो जाता है, ये रोटेट हो जाता है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो अब प्राइस पे बात करते हैं। वैसे तो इसकी जो रिटेल मार्केट है वो 47,000 है और इतने पैसों में यह मॉनिटर बहुत अच्छा है, बट अगर आप दिए गए नंबर से परचेस करते हैं तो मैं आपको ये 46,000 में दे सकता हूँ। स्पेशली सिर्फ ये वाला मॉनिटर इसमें ऑफ़र है तो ये 46,000 में आपको मिल जाएगा और ब्रांड न्यू, और सबसे बड़ी बात ऑफिशियल वारंटी के साथ आता है। ऑफिशियल वारंटी का मतलब है कि ये कंपनी की डायरेक्ट AOC की वारंटी है। तो क्लेमिंग में लास्ट टाइम मैंने एक क्लेम करवाया विद इन 1 डे के 2 डे इन्होंने क्लेम करके दे दिया, तो वारंटी क्लेम में आपको इशू नहीं आएगा। और वारंटी क्लेम बहुत कम रेशो है, लाइक 1% वारंटी क्लेम आता भी नहीं है। तो अब अगले मॉनिटर पे जाते हैं ताकि जल्द से जल्द हम बाकी मॉनिटर्स को कवर करें। ओके, अब आ गया दूसरा मॉनिटर जो कि 165 हर्ट्ज़ है, VA पैनल के साथ है और ये कर्व्ड है। दोनों में फ़र्क ही है कि 144 हर्ट्ज़ IPS कर्व्ड नहीं आता, ये कर्व्ड है। दोनों 24 इंच हैं, दोनों की प्राइस भी सेम है, ये भी आपको 46,000 में मिल जाएगा और ब्रांड न्यू मॉनिटर विद 1 ईयर वारंटी। क्लेम आपको ऑन द स्पॉट करवा के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी क्लेम आपका हो जाएगा। और ये भी अडाप्टिव सिंक के साथ है, ये भी सेम और 165 हर्ट्ज़ है, लेकिन ये कर्व्ड है। तो आपको ये वाला मॉनिटर भी मैं ओपन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये सब कुछ आ गया इसमें, इस तरह पैक होता है, स्टैंड होता है इसमें, हाइड्रोलिक स्टैंड बेसिक वही सेम स्टैंड सेम है, शक्ल भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कर्व्ड है। अभी आपको नज़र आ जाएगी, तो ये आ गया मॉनिटर जो कि कर्व शेप में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रॉपर ये कर्व्ड है और AOC की ब्रांडिंग है फ्रंट पे और इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में पता लगता है।
और अब हम इसे एक को भी जोड़ के रख लेते हैं और फिर मैं आपको पूरी लुक इसकी दिखाता हूँ। तो यह आ गया C24G2 जो कि कर्व्ड शेप में है, 24 इंच है, 165 Hz वी पैनल के साथ, बड़े अच्छे इसके कलर्स होते हैं। अभी मॉनिटर ऑन करने का इधर यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक मॉनिटर ऑन करके दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं इनके। तो यहाँ पे ये देख लें, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोलिक स्टैंड के साथ एग्जैक्टली सेम स्टैंड है, सेम शेप है, जस्ट कर्व्ड है। और आपको बैक से भी दिखा देते हैं, बुरहान भी ज़रा इसको बैक से दिखाना। तो ये आपको पहले मैं दिखा दूँ कि आपको कर्व शेप नज़र आ रही होगी, उसके बाद ये कर्व शेप यहाँ से आपको सही पता लगेगी ये, और उसके बाद ये बैक से सेम एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन है, हाइड्रोलिक है और AOC की ब्रांडिंग है, और थोड़ा गेमिंग टाइप की लुक होती है, और रेड और ब्लैक थीमिंग में आता है। इसमें भी एग्जैक्ट सेम पोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाती है, डी पोर्ट। अगर 165 Hz लेने हैं तो आप डी पोर्ट लगाएंगे, वरना HDMI लगा लें, 144 Hz HDMI पे आएंगे, और इसके अंदर VGA पोर्ट भी होती है। तो सबसे बेहतर ये है कि डी पोर्ट यूज़ करें ताकि आपको कंप्लीट हर्ड्स मिलें, तो आपको जो मकसद है 165 Hz लेने का वो पूरा हो जाएगा। तो अब हम बड़े मॉनिटर पे जाते हैं जो कि 27 इंच के मॉनिटर हैं इनके, जो यहाँ पड़े हुए हैं। तो 27 इंच के मॉनिटर भी आपको दिखा देते हैं। तो अब आ गया इनका एक और मॉडल जो कि AOC 27G2Z है, और ये बेसिकली कर्व्ड मॉनिटर है, VA पैनल के साथ है, और 0.5 ms आता है इसका रिस्पांस टाइम, और ये 240 Hz है, और अडाप्टिव सिंक के साथ है। अगेन अडाप्टिव सिंक का फ़ायदा वही है कि NVIDIA और AMD दोनों के कार्ड के साथ सिंक हो जाएगी ये, इसके जो फ्रेम्स हैं वो सिंक हो जाएंगे। और ये फुल HD है, मतलब कि 1080p है, कर्व्ड है, और जो कि 1500R कर्व्ड के साथ आती है, और 240 Hz टू और HDMI इसके अंदर मिल जाती है आपको, और डी पोर्ट मिल जाती है। तो अगर आपने ये वाला मॉनिटर लेना है तो ये आपको 70,000 में रिटेल हो जाएगा। तो फिर भी एक दफ़ा आप कांटेक्ट करके प्राइस बेशक कंफर्म कर लें, बट वैसे इसकी जो रिटेल है वो 70,000 है। और इस मॉनिटर की जो ख़ास बात ये है कि ये 240 Hz है। अगर आप हार्डकोर गेमर हैं, लाइक अगर आप कॉम्पिटेटिव प्लेयर हैं, तो आपके लिए बेस्ट मॉनिटर होगा। VA पैनल जो है आपका, IPS और VA पैनल जो है इतना फ़र्क होता है कि IPS के कलर थोड़े से एडिटिंग पर्पज़ से ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो VA पैनल में आपको कोई इशू नहीं आता। इसको अभी हम ओपन नहीं कर रहे क्योंकि जो लास्ट मैंने आपको मॉनिटर ओपन करके दिखाया है ये एग्जैक्टली सेम शेप है, लेकिन फ़र्क ये कि ये 27 इंच है, वो 24 इंच था, और ये 240 Hz है, इसलिए ये 70,000 का है। तो अब नेक्स्ट मॉनिटर पर जाते हैं जो कि इनका क्वाड HD है, मतलब 2K 27 इंच का मॉनिटर है। अब आ गया इनका एक और मॉडल जो कि 32 इंची है, कर्व्ड है, VA पैनल है, बट ये अडैप्टिव सिंक के साथ आता है। अडैप्टिव सिंक का अगेन बता दूँ, NVIDIA और AMD दोनों के साथ इसका सिंक चलेगा, और 144 Hz के साथ ही आती है, बट ये 2K मॉनिटर है 1 ms के साथ। तो अगर आपको बड़ी रेजोल्यूशन में 2K चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। तो ये आपको 75,000 का रिटेल में मिलेगा, और वारंटी सबकी है, जैसे मैंने पहले बताया 1500R है, क्वाड HD है, और 1 ms और HDMI सब कुछ इसके अंदर है। इसके अलावा हम अगले मॉनिटर भी चेक करते हैं जो इनके पास अल्ट्रा वाइड हैं, या फिर कुछ 75 Hz वाला मॉनिटर भी एक इनका है। अब आ गया AOC का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर जो कि 34 इंच कर्व्ड के साथ आता है। होते बेसिकली ये भी VA पैनल है, 1000R कर्व्ड है, अडाप्टिव सिंक है, 165 Hz है, और ये 34 इंच का काफ़ी लंबा और बड़ा सा मॉनिटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर हम थोड़ी सी गेम भी चला लेंगे, या कोई चीज़ कोई वीडियो चला लेंगे अगर गेम ना भी चली। वो मैंने वैसे गेम डाउनलोड लगाई हुई है, बट मुझे लग रहा है कि वो नहीं हुई है। आपको ऑन करके मॉनिटर ज़रूर दिखाते हैं, और ये सारे ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसको ना सीधा सीधा ओपन ही करते हैं। प्राइस इसके बता दूं, 130,000 रुपये का मॉनिटर है ये, 165 Hz अल्ट्रा वाइड, और काफ़ी बड़े साइज़ का, 34 इंच अल्ट्रा वाइड बहुत लंबा मॉनिटर होता है। अभी आपको ना ओपन करके दिखाते हैं। हाँ, तो मॉनिटर के हमने ऑन कर लिया है, और ये मैंने गेम तो इंस्टॉल नहीं थी लैपटॉप में, तो मैंने एक अल्ट्रा 4K सेम 2160 में रेजोल्यूशन में गॉड ऑफ वॉर की वीडियो चलाई है। फॉर एग्जांपल ये गेम चल रही है, तो आप इस तरह से आपको ये डिस्प्ले आएगा, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। इसके अंदर HDR भी है मॉनिटर के अंदर, आप HDR भी ऑन कर सकते हैं। अभी HDR मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमने AOC का कीबोर्ड लगाया, फुल मैकेनिकल ब्लू स्विचेस में, फुल RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है, और AOC का माउस है, और AOC का RGB माउस पैड है, यहाँ से इसके वे चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर स्पीकर भी हैं अपने मॉनिटर में, हैर वो इतने यूज़ेबल नहीं होते अगर आप गेमिंग करते हैं, बट अगर एडिटिंग वगैरह करते हैं तो यूज़ेबल हैं। और ये भी थोड़ी सी वीडियो रुक रही है क्योंकि फुल हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो चल रही है, बट आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं कि अगर मैं साइड से भी देखूँ तो इतना डिस्प्ले ख़राब नहीं हो रहा, ओके है बिल्कुल।
हाँ तो फाइनल में इनका आ गया AOC का सबसे ज़्यादा प्रीमियम मॉनिटर। इसकी आप शक्ल देख रहे हैं, आपको देख के ही पता लगेगा कि कितना प्रीमियम क्लास का मॉनिटर ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये ऑफिस में प्रीमियम ऑफिस में रखना, या अगर आपको प्रीमियम लुक का मॉनिटर चाहिए तो ये आप ले सकते हैं। होता ये 4K है, 60Hz है, IPS मॉनिटर है, बेस्ट कलर के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए एडिटर यूज़ करते हैं, स्टूडियोज़ वगैरह में यूज़ होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय स्टूडियो FA Porsche। ये Porsche बेसिकली डिज़ाइन स्टूडियो, गाड़ियों वाला Porsche ना समझना, ये कोई और Porsche है, बट ये एक प्रॉपर कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया। तो अब हम इसको ओपन करके चेक करेंगे, पूरा देखेंगे। और इसके साथ ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा HD फुल 4K और फ्लिकर फ्री मॉनिटर के साथ आता है। एडिटिंग के लिए बेस्ट चीज़ है और बेस्ट प्रीमियम चीज़ आप कह लें। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1,60,000 रुपये है। इसको हमने ओपन किया है और ये बड़ी एक प्रीमियम चीज़ है। आप ये ज़रा ओपन होगा, फुल क्रोम स्टैंड है इसका। इसको ओपन करते हैं, फिर आपको नज़र आएगा कि असल में चीज़ है क्या। ये चेक करें पीछे से, कितना इसकी जो है प्रीमियम इन्होंने लुक बनाई हुई है। तो अगर आप एक प्रीमियम जगह, तो आप ये पीछे से देख सकते हैं कितनी लग्जरी टाइप की इसकी लुक है। अगर आप किसी लग्जरी ऑफिस में भी रखना चाहते हैं या आपको एक अच्छी स्लिम सी लुक चाहिए तो ये चीज़ आप परचेज़ कर। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है बट अपने पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ बता दूँ, इसका पैनल बाहर लगा हुआ है, ये देख रहे हो इतना बाहर आया हुआ ये पैनल है। और इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बड़े साइज़ का एडिटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, या एक अच्छी लग्जरी क्लास की आइटम कह लें आप इसको। 1,60,000 रुपये का है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी स्पेशली जो डिज़ाइन है। आपको मैं बैक से दिखाता हूँ, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप इसका स्टैंड देख सकते हैं, ये अप डाउन भी हो जाता है, इसको अप डाउन करना होता है ना। ये ठीक है, ये प्रॉपरली हाइड्रोलिक है, ज़रा ऊपर करें सर पे। ये देखें, ये प्रॉपर हाइड्रोलिक स्टैंड है इसका। और इंटरनेशनल मार्केट में 2,00,000 से ऊपर का मॉनिटर है ये, तो ऑफ़र में इधर पाकिस्तान में आपको ऑफ़र में मिल रहा है। ब्रांड न्यू, वारंटी के साथ सील पैक है। और ये इसमें इसको वर्टिकल भी आप कर सकते हैं ईजीली, ये वर्टिकल भी हो जाता है। तो अगर आपको वर्टिकल मॉनिटर भी कहीं पर लगाना है तो ये लग जाएगा। उसके बाद मैं पोर्ट्स बता दूँ, इसमें बहुत सारा सब कुछ है। इसमें टाइप सी है, इसमें 3.1 वो जो डबल वाली पोर्ट आती है वो है। इसके बाद यूएसबी, इसमें यूएसबी 3.0 है। और इसमें जो पावर देने के लिए अडैप्टर अलग से लगता है, डी पोर्ट है, 2 HDMI हैं, हेडफोन की केबल है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अच्छा, तो अपना नंबर तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर आपने कोई भी चीज़, कोई भी मॉनिटर बाय करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, आपको हर तरह के मॉनिटर मिल जाएंगे। इनके पास प्योर सेलर से भी लेना चाहते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान ऑनलाइन वेबसाइट पे इनका ब्रांड आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा। और इनकी अपनी वेबसाइट rtltechnology.com पे भी चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, वहाँ से डिटेल लें, मेरे से बाय कर लें, वहाँ से बाय कर लें, जैसे आपको ईजी है। बट अगेन, मेरा नंबर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, व्हाट्सएप ओनली, एंड दैट्स इट। आज की वीडियो तक काफ़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके डाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। Sapa kara sara kabat sabara karai sara sapa kara sara kabat sabara karai sapa kara sara kabat sapa kara sara kabat sapa 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 please subscribe to my YouTube channel. Sara kab whatever. Okay, thank you.